बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें अयोध्या से, जहां पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन का यह मामला और इसमें ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा, फिलहाल वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो मणिराम दास छाबनी नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं कमल नैन, जहां पर उनसे मुलाकात भी की गई है। तो वीएचपी के राजेंद्र सिंह पंकज भी मणिराम दास छाबनी पहुंचे हैं और कमल नैन दास के साथ बंद कमरे में बातचीत भी हुई है। संत समिति के कई पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से आ रही है, जहां पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन के मामले में इस दौरान ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा, वो मणिराम दास छावनी पहुंच चुके हैं। मृत गोपाल दास के उत्तराधिकारी कंवल नयन से उनकी यहां पर मुलाकात हुई है। तो वीएचपी के राजेंद्र सिंह पंकज भी इस दौरान मणिराम दास छावनी पहुंचे हैं और बातचीत फिलहाल यहां पर महंत कमल नयन दास के साथ बंद कमरे में हुई है। तो आपको बता दें कि मृत गोपाल दास को इस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया और हालांकि काफी वक्त पहले से ही ये कयास थे कि उनका शामिल होना लगभग तय है, लेकिन जब नाम शामिल नहीं हुआ तो ऐसे में संतों ने विरोध जताया और उसको लेकर कल एक बैठक भी की जानी थी, लेकिन इस दौरान एक आश्वासन मिला और उस आश्वासन के बाद उस बैठक को टाल दिया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा मुलाकात करने मणिराम दास छावनी पहुंचे हैं, जहां पर मृत गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नैन से बंद कमरे में बातचीत यहां पर की जा रही है। तो संत समिति के कई पदाधिकारी भी बताया जा रहा है कि इस दौरान बातचीत में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या को लेकर, जहां पर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पहुंचे हैं, मणिराम दास छावनी, मृत गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन, उनसे मुलाकात बातचीत चल रही है बंद कमरे में। क्या बातचीत हुई ये आगे बताएंगे।